पहले ये सरफेस पे ग्रीस लगा दीजिए, ज्यादा नहीं बस थोड़ा, ताकि वो पैकिंग उसके ऊपर चिपके। ये जाड़ा वाला पैकिंग इसके ऊपर, ये बॉश के ऊपर फिट करके उसको उठा के ये पोजीशन पे गया। इसका मतलब दोनों कपलिंग्स प्रॉपरली इंटरलॉक हो गया, इधर गैप नहीं होना चाहिए ज्यादा। फिर ये स्टेज को आपको उल्टा करना, फिर ये एलन बोल्ट्स आपको इसके अंदर फिट करने, और हम लोग ने आपको ये टी प्रोवाइड किया है, ये जो टी पाना है उससे आपको एक एक करके जितने भी एलन बोल्ट्स है फॉलोवर, इनको टी पाने से पहले टाइट करना है, हाथ से टाइट करना है। थोड़ा शायद आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आगे पीछे वो करना पड़ेगा। ये जाके फेस टू फेस चिपक जाए, ऐसे आपको सब ऊपर के और फिर नीचे के भी एलन बोल्ट्स आपको टाइट करने हैं टी पाने से। टॉप स्टेज के लिए भी आपको इसके ऊपर, फेस के ऊपर थोड़ा ग्रीस लगाना पड़ेगा, ताकि वो पैकिंग बराबर चिपके और वहां से लीकेज नहीं हो जाए। जैसे आपने बॉटम स्टेज फिट किया था माउंटिंग ब्रैकेट पे, वैसे ही आपको टॉप स्टेज भी फिट करना है, ऐसे कि वो बराबर फेस टू फेस प्रॉपरली बैठे। एक बार आपने हाथ से टाइट कर लिया, फिर पाइप डाल के थोड़ा उसको फुल टाइट करा लीजिए। ये हो गए आपके स्टेजेस लग गए। जो पांचों में से सबसे ऊपर वाला है वो जाएगा टॉप स्टेज के ड्राइव एंड पे, जो ऊपर से दूसरा वाला है वो जाएगा, दैट इज द फ्लशिंग पॉइंट, जो ऊपर से तीसरा वाला है वो जाएगा टॉप स्टेज के नॉन ड्राइव एंड पे, जो ऊपर से चौथा वाला है वो बॉटम स्टेज के नॉन ड्राइव एंड पे जाएगा, और जो आखिर वाला यानी कि सबसे बॉटम वाला पांचवा है वो जाएगा बॉटम स्टेज के ड्राइव एंड पे। तो ये जो आपके बोल्ट्स है, फेरुल्स है, आपको इसको टेफ्लॉन लगा के प्रॉपरली टाइट करना है, ताकि यहाँ से कुछ लीकेज नहीं हो। अगर लीकेज हो जाता है तो यहाँ से पानी खींच के अंदर पंप के अंदर चला जाएगा और आपको वैक्यूम नहीं मिल जाएगा।